हेलो नमस्कार भाई बहनों और दगड़ियों। चलिए तो आज हम ले चलते हैं आपको शहर से थोड़े बाहर। और बाहर कहाँ जा रहे हैं हम, जल्द ही आपको बताएंगे। और भाई जो लोग हैं देहरादून, विकास नगर या फिर सेला कोई रहने वाले, डेफिनेटली आप इस जगह को देख के आइडिया तो आपको लग गया होगा कि आप हम कहाँ निकल रहे हैं आज। तो आज था संडे का दिन, तो हमने सोचा चलो थोड़ा अथाह तो घुमक्कड़ जिज्ञासा वापस एक बार फिर से चलते हैं कैमरा लेके। और जब तक मैं बताता हूँ आपको कि हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, तब तक यार प्लीज़ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यार सामने देखिए क्या गजब का नज़ारा है, बिल्कुल स्ट्रेट सी रोड और उसके बगल में बिल्कुल ठहरा हुआ पानी, और राइट हैंड साइड में हम देख पा रहे हैं बहुत खूबसूरत सा जंगल। वाह, ऐसे नज़ारे हों तो यार घूमने का ना मज़ा ही कुछ और है। और हाँ, जिस जगह आज हम जा रहे हैं मैं बताऊँगा आपको कि अगर देहरादून में आप हैं और करना चाहते हैं बोटिंग तो डेफिनेटली ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। देखिए कितना सुंदर सा है, काफी स्पेस मिल जाता है यहाँ पे बोटिंग के लिए, और देखिए लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो फिर आपको किसने रोका है, अगर चलिए बोटिंग करनी है तो उठिए और निकल पड़िए इस खूबसूरत सी जगह जिसका नाम है आसन कंजर्वेशन रिजोर्ट, जिसको नॉर्मली आप आसन बैराज के नाम से देहरादून में स्पेशली जानते हैं। और देखिए क्या खूबसूरत सा नज़ारा, ये है इसकी एंट्रेंस, और एंट्रेंस में स्टार्टिंग में मिल जाती है आपको पार्किंग, चाहे आपके पास दो पहिया हो या फिर चार पहिया हो, टू व्हीलर और फोर व्हीलर, राइट। सो देखिए ये बहुत ही गजब का एंट्रेंस बना रखा है, और ऊपर देखो ये लिखा है GMVN यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम इसकी देख रेख करता है। और ये है टिकट घर। हेलो फ्रेंड्स, ये हूँ मैं, ये है अथर्व, और ये बोटिंग हो रही है आसन बैराज में। और अब हम उतर चुके हैं मैदान पे। खैर ये तो एक डायलॉग है मैदान पे, लेकिन हम उतरे हैं पानी में अपनी बोट के साथ, डक बोट के साथ, इसे हम पैडल बोट भी बोल सकते हैं। और देखो सामने ना कितना ग्रीन सा वाटर, और बिल्कुल आसमान को छूता हुआ पानी, गजब। और देखिए सब लोग बोटिंग का बड़ा आनंद ले रहे हैं। ये सामने वाली रोड दिख रही है जहाँ से हम आए थे, जहाँ से हमारा एंट्रेंस था। और ये देखिए यहाँ से हम बोट को हायर कर सकते हैं। एंड लुक एट द व्यू, लुक एट द व्यू, दिस इज वंडरफुल। अब निकल चुके हैं हम बोट से बाहर और सुंदर से पाथवे पर, और आसन बैराज जो कि आप देहरादून से प्रेमनगर, प्रेमनगर से सेला कोई होते हुए पहुंच सकते हैं। और ये है सुंदर सा पाथवे झील के किनारे, और ये मेरे साथ है अथर्व नेगी, अभी आपने बोट पे देखा था इसको। अगर जब आप इस पाथवे पे चल रहे हो तो आपके लेफ्ट साइड में जो खूबसूरत सा नजारा है वो है आसन बैराज झील का। और साथ ही अगर मैं आपको सामने दिखाता हूँ GMVN द्वारा बनाए गए ये खूबसूरत से कॉटेज आपको देखने को मिलेंगे, और ये कैफेटेरिया है यहाँ का जहाँ पे आप बैठ के चाय कॉफ़ी नाश्ता कुछ कर सकते हैं अंदर। और लुक एट द व्यू, बहुत ही मस्त है, छोटा से छोटी सी जगह है बट आप इंजॉय करोगे, अच्छा लगेगा आपको। यार इनका डिज़ाइन ना ये सबसे ज़बरदस्त लगा मुझे, बहुत ही औसम डिज़ाइन, जैसे होता ना कहीं बर्फीले इलाके में स्लाइड्स वाले घर बनाए जाते हैं उस टाइप का सारा डिज़ाइन है। और यहाँ पे एक व्यू पॉइंट भी मिल जाएगा आपको जहाँ से आप ऊपर जाके सारे नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। आई होप आपको जगह पसंद आई होगी, सुंदर सिक्योरिटी और ब्यूटीफुल सा नज़ारा। चलो आपको ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ थोड़ा क्या खूबसूरती यहाँ से दिख सकती है। अब यहाँ से सामने देखिए खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा व्यू, सामने बोट्स चल रही हैं, काफ़ी बड़ा जगह है लेकिन फिर भी इसमें ना लिमिटेड जगह पे बोटिंग के लिए रखा गया है। अगर बात करें कि ये जगह फेमस किस लिए है तो भाई ये उस शेल्डक होती हैं जो प्रवासी पक्षी होते हैं, वो यहाँ पे आपको बहुत मात्रा में देखने को मिलेंगे। आज इतनी मात्रा में देखने को नहीं मिले क्योंकि अभी इसका सीजन नहीं है। तो कैसे लगा आपको एक वीडियो, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो फ्रेंड्स आई होप यू आर एंजॉइंग दिस प्लेस थ्रू माई आईज, एंड डेफिनेटली अगर आपको प्रीवियस कुछ वीडियोज देखनी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए जा रहा हूँ, आप देखिए इंजॉय करिए। और इन खूबसूरत नज़ारों के साथ टाटा बाय बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। एंड द लास्ट रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।